ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज. इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर. तो क्वेश्चन क्या रहा है कि ए किसी वर्क का 2/3 16 डेज में कंप्लीट करता है, वहीं बी उसी वर्क का 1/4 3 डेज में कंप्लीट करता है. तो अगर ए और बी साथ में वर्क करते हैं तो उस वर्क को फिनिश होने में कितना समय लगेगा. तो सबसे पहले इनका 1 डे का वर्क निकालेंगे. तो क्वेश्चन में दिया है वर्क डन बाय ए इन 16 डेज जो कि है 2/3. अब यहीं अगर हम 1 डे का निकालें तो ये 16 डिनोमीटर में चला जाएगा. तो लिख देंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे. तो ये 2/3 16 से डिवाइड हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 1/16 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/24. सेम हम बी के साथ भी ऐसे ही करेंगे. तो लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 3 डेज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4. अब इसका भी 1 डे का वर्क निकाल लेंगे. तो लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/3. सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/12. अब क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों जब साथ में वर्क करेंगे तो कितना टाइम लगेगा. तो पहले दोनों का वर्क निकाल लेते हैं 1 डे का. तो नाउ वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे इज इक्वल्स टू, ए का आया था 1/24, बी का है 1 डे का वर्क 1/12. अब इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे. एलसीएम आ जाएगा 24 तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये 12 2 जा 24 2 आ जाएगा. तो ये आ गया 3/24. इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/8. इसी का इन्वर्स या रेसिप्रोकल टाइम हो जाएगा. तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द सेम वर्क तो ये आ जाएगा 8 डेज. यही हमारा आंसर होगा.